दोस्तों लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार किया जा रहा था वो फिल्म यानी आदि पुरुष दर्शकों के सामने है। ओम राउत की ये फिल्म लंबे समय से चर्चित थी और आज 16 जून को दर्शकों के बीच है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की खूब रिएक्शन आ रही है। कोई फिल्म को बेहतर बता रहा है तो कोई इसे सिरे से नकार दे रहा है। फिल्म में प्रभास और कीर्ति सेनन जहां आकर्षित करने में सफल रहे हैं, वहीं फिल्म का VFX और डायलॉग्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। ओम राउत की फिल्म को लेकर खूब हाइप क्रिएट की गई थी और इसका फायदा भी हुआ। फिल्म के रिलीज से पहले ही कई बड़े सिनेमा हॉल में बुकिंग फुल हो चुकी थी। अब फिल्म दर्शकों के सामने और यह उतना इम्प्रेस नहीं कर सकी जितनी उम्मीद की जा रही थी। खास तौर पर फिल्म के डायलॉग्स लोगों को प्रभावित नहीं कर सके। फिल्म में हनुमान का एक डायलॉग तो सोशल मीडिया पर टॉकिंग पॉइंट बन गया है। फिल्म यदि धार्मिक पृष्ठभूमि पर बनी हो तो निश्चित तौर पर भाषा की सही उपयोग जरूरी है, लेकिन ओम राउत यहाँ चूक गए और हनुमान को ऐसे डायलॉग दे दिए जो दर्शकों के गले से उतर ही नहीं रहे हैं। फिल्म के डायलॉग जो हमारे बहनों के हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, इस तरह के डायलॉग जब लोगों ने सुने तो उनके होश उड़ गए। कल्पना से परे भाषा का प्रयोग देखकर लोगों ने आदि पुरुष को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ओम राउत की बॉलीवुड तड़के वाली फिल्म आदि पुरुष को देखकर लोग सोशल मीडिया पर बुरी तरह फिल्म के डायलॉग्स को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आदि पुरुष देखने के बाद रामानंद सागर की रामायण के लिए समान और भी बढ़ गया है। एक यूजर ने लिखा, हनुमान जी के लिए सीट इसलिए रिजर्व की थी कि ऐसे डायलॉग सुनने आएंगे। तो आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।